स्टूडेंट स्लोप ग्रेडियंट मैंने जो आपको जैसे बताया कि लास्ट में हमने स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस लास्ट लेक्चर में, फिर हमने ग्रेडियंट का फार्मूला किया जिसको स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप का जो हमने फार्मूला किया जिसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ ए लाइन, करेक्ट, इट इज बेसिकली द टेंजेंट ऑफ द एंगल। मान लीजिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है एंड दिस इज द वाई एक्सिस। स्लोप ऑफ द लाइन इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जितना एंगल लेती है लाइन, वो जो लाइन है मान लो लाइन एल है, तो उसका टेंजेंट ले लीजिए, टैन ले लीजिए, दैट इज द स्लोप एंड स्लोप इज डिनोटेड बाय एम। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किया था, करेक्ट। वी हैव अनदर फार्मूला ऑफ स्लोप। अगर किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए हों, मान लीजिए एक पॉइंट ए है जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन एंड वाई वन, और दूसरा पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स टू एंड वाई टू, तो स्लोप निकालने का अनदर वे भी है, टू पॉइंट्स आर गिवन ऑन द लाइन, देन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो दिस इज अनदर फार्मूला ऑफ स्लोप। ये डिपेंड करेगा कि हमें वेदर वी हैव गिवन विद द एंगल, हमें वो लाइन जो है एक्स एक्स एंगल बना रही है वो गिवन है, जहाँ उसके ऊपर दो पॉइंट गिवन है, तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। सो दिस इज द वन थिंग। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हियर, ओके, सो देखिए अब ये दोनों फार्मूले के बाद वन मोर थिंग यू नो दैट आई हैव रिव्यू इन द लास्ट। एक तो मैंने आपको ये बताया था कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, बोल दो लाइन पैरेलल हो तो मान लो पहली लाइन की स्लोप m1 है, दूसरी की लाइन की स्लोप m2 है, उनकी स्लोप आपस में इक्वल होगी, ठीक है। तो अगर इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इज इक्वल टू माइनस वन, करेक्ट। ये आपको दोनों फार्मूले पता होना चाहिए, दैट इज द वन थिंग, ओके। एंड देन वी हैव डिस्कस इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन, दैट आई हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर, कि जो लाइन है वेयर एवर इट इंटरसेक्टर। देखिए इंटरसेप्ट क्या होता है लाइन का, जैसे मैंने बताया था कि जो लाइन है वो जहां पे ये ओरिजिन है, आपको पता है जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है ना, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, तो नॉर्मली हम उसको ए से डिनोट कर लेते हैं, अब जो भी मर्जी वेरिएबल रख सकते हैं, जहां पे वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, दैट इज वाई इंटरसेप्ट। सो हियर ए इज द एक्स इंटरसेप्ट एंड बी इज द वाई इंटरसेप्ट, और ये नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। मान लीजिए ये लाइन है इस तरह से कट कर रही है, हमारे को नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रही है, लाइन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रही है, तो दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। मान लीजिए लाइन ऐसे कर रही है, वाई भी, वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव होगा और एक्स इंटरसेप्ट भी नेगेटिव होगा। अगर मान लो ऐसे कर रही है, एक्स तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा बट वाई नेगेटिव होगा, तो ये डिपेंड करेगा कि वो लाइन हमें कहाँ पे कट कर रही है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, नाउ so see this is the first straight line that we are going to find which is not parallel to x axis or parallel to y axis। agar wo line x axis ya y axis ke parallel nahi hogi to hamare usme paas panch forms hai, out of this this is the first form ke jaise usko hum one point form bhi bolte hain, slope intercept form bhi bolte hain। what is given if point, let us suppose this a point x1 and y1 is lies on लाइन, लाइन के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है, एंड स्लोप ऑफ द, एंड द स्लोप ऑफ द लाइन इज एम, ठीक है, लाइन की स्लोप एम है और पॉइंट उसमें पास कर रहा है एक्स वन एंड वाई वन, सो दिस इंप्लाइज
जो हमारे पास m, m तो स्लोप है, तो एक पॉइंट गिवन होगा लाइन के ऊपर और उसकी स्लोप गिवन, इसलिए इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं। तो मैं एक सिचुएशन लेता हूं, मान लीजिए हमारे पास ये लाइन है, ये इसके पास स्लोप गिवन है, स्लोप इसका मतलब थीटा मान लो एंगल बना रही है टेन थीटा, ठीक है जी। अब थीटा जरूरी नहीं है, उसकी स्लोप गिवन है ना, तो उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है, मान लीजिए पॉइंट है हमारे पास ए पॉइंट एक्स वन एंड वाई वन, और इस लाइन की जो स्लोप है वो एम है, स्लोप करेक्ट। अब जब भी आपको इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालनी है, आपको पता जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन होती है जी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, आप लोअर क्लासेस के अंदर बहुत बार इसको करते रहे। तो आपने एक ना जनरल पॉइंट लेना है पी, ये पी इज एनी पॉइंट ऑन ए लाइन, सो लेट पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट, ये जनरल पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो आपको पता है कि एक पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है एक्स वन वाई वन, और ये एक पॉइंट हमने ले लिया एक्स वाई। तो आपको पता है कि जब दो पॉइंट्स गिवन होते हैं, व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन ऑन ए लाइन, तो उसकी स्लोप का जो फार्मूला होता है वाई माइनस वाई टू माइनस, अब वाई टू की जगह वाई ले रहे हो, वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो ये स्लोप होती है, और स्लोप हमारे को गिवन है एम। तो दिस इंप्लाइज वाई माइनस वाई वन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, सो दिस इज द वन पॉइंट फॉर्म, करेक्ट। तो ये हमें याद रखनी पड़ेगी, हमें गिवन क्या होगा, हमारे को गिवन होगा ये पॉइंट x1 एंड y1, और ये स्लोप होगी, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकाल लेनी है। बिफोर टेकिंग दिस m, m की वैल्यू हमारे पास tan थीटा भी होती है, थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव x एक्सिस, ओके। सो लेट्स टेक द क्वेश्चन, सो स्टूडेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मींस पॉइंट जो गिवन है ना वो ओरिजिन दिया हुआ है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले तो हमारे को पता होना चाहिए पॉइंट गिवन ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर जो पॉइंट गिवन है वो जीरो जीरो दिया हुआ इज जीरो जीरो, एंड जो थीटा की वैल्यू है, थीटा इज गिवन 60 डिग्री, मीन्स जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो लाइन 60 डिग्री बना रही है, सो देयरफॉर स्लोप स्लोप इज इक्वल टू एम, दैट विल बी टेन थीटा, और टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट थ्री, तो एम की वैल्यू हमें मिल गई, पॉइंट मिल गया, सो देयरफॉर बाय वन पॉइंट फॉर्म, जहाँ पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो बेटा y1 की ये तो जीरो जीरो है, x1 और y1 ये भी जीरो, m की वैल्यू हमारे पास रूट थ्री दी हुई है, x x माइनस जीरो, तो ये x नहीं है रूट थ्री है, तो दिस विल बिकम y इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स, सो दिस इज द आंसर दिस क्वेश्चन। Find the equation of the straight line which passes through the origin and makes an angle 30 degree or 75 degree with the x-axis. So you have a two question. पहले तो आपको पता नहीं है point given on the line is the point गिवन ऑन द लाइन इज जीरो जीरो, ओरिजिन है ना, ओरिजिन पॉइंट दिया, मतलब ये हमारे पास एक्स वन और वाई वन की वैल्यू दे रही है, एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, पहला क्वेश्चन है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 है, देयरफॉर एम की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा, और टेन 30 डिग्री हमारे को पता है 1 बाय रूट 3, सो देयरफॉर बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम
एक्स माइनस एक्स वन, तो व्हाट यू विल डू वाई, वाई वन की वैल्यू हमारे पास बेटा जी जीरो है और एम की वैल्यू वन बाय रूट थ्री और एक्स वन की वैल्यू भी जीरो, सो यू विल गेट वाई इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री एक्स। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हियर थीटा इज इक्वल टू 75, तो जो एम है टेन 75, और टेन 75 की डायरेक्ट वैल्यू तो होती नहीं है, उसके लिए हम ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, दैट विल बी टेन 45 प्लस 30, 75 को तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, टेन ए, यू नो दैट टेन ए प्लस बी का फार्मूला, यू हैव टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, करेक्ट, सो दिस विल बिकम टेन ए टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, सो टेन 45 वन आ गया, टेन 30 हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी है, हमारे पास टेन 45 की वैल्यू होती है वन, टेन 30 की वैल्यू होती है वन बाय रूट थ्री और वन माइनस टेन 45 की वैल्यू वन, टेन 30 की वन बाय रूट थ्री। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये बन गया जी एलसीएम लिया रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री, ये नीचे भी रूट थ्री है, ये रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया, रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं बिकॉज वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एम, इसको रैशनलाइजेशन कर देते हैं डिनोमिनेटर को, थ्री प्लस वन साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, ये ऊपर आ गया रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसमें हमने ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इधर आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और एक एक का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर और वन का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी टू इंटू रूट थ्री इंटू वन, तो बेटा ये तो कट गया और थ्री माइनस वन आ गया जिनसे टू। अब और चलते हैं आगे, ये मेरे पास बन गया, ये रूट से कैंसिल हो गया, ये थ्री प्लस वन प्लस टू रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू, ये बेटा थ्री प्लस वन फोर आ गया, फोर फोर प्लस टू रूट थ्री ये टू, तो यहाँ से टू कॉमन निकाल दिया न्यूमिनेटर से, टू प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू ये कैंसिल हो गया, तो देयर फोर जो हमारे पास एम की वैल्यू आ गई टू प्लस रूट थ्री, ठीक है, ये जुड़ी नहीं, आप इतने लेवल पे जाओ आप यहाँ तक भी आप एम को ले सकते हो। नाउ तो हमें अब इक्वेशन एम आ चुका है, हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी जीरो जीरो है वही, सो देयर फोर बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इक्वेशन ऑफ द लाइन होगी y इज इक्वल टू वाई वन जीरो, एम की वैल्यू आ गई टू प्लस रूट थ्री, एक्स माइनस एक्स वन जीरो, सो दिस विल बी गेट, वी विल गेट y इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री इंटू एक्स, दिस इज द आंसर।